मूसे वाला जैसा हाल कर देंगे, सलमान खान को मिली धमकी भरा लेटर। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम किसी अनजान शख्स ने धमकी भरा लेटर भेजा है। खबर है कि एक धमकी भरे लेटर को रविवार को बांद्रा के बैंडस्टैंड प्रोमेनाड में पाया गया। इस लेटर में सलीम और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला था जहां सलीम अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। इस मामले को लेकर मुंबई की बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि लेटर में सलमान खान और सलीम खान को उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी गई है। शख्स ने लिखा, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। लेटर मिलने के बाद सलीम खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड के जरिए पुलिस में शिरकत दर्ज करवा दी है। उनके बयान को दर्ज कर पुलिस ने IPC के सेक्शन 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सलीम खान ने पुलिस को बताया कि मॉर्निंग वॉक खत्म करने के बाद उनका रोज एक ही बेंच पर बैठना फिक्स है। वह रविवार सुबह अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ वॉक पर गए थे। ऐसे में एक बॉडीगार्ड ने बेंच पर लेटर पड़ा हुआ देखा था। अपनी शिकायत में सलीम खान ने किसी पर इस जान से मारने की धमकी को देने का शक नहीं बताया है। धमकी भरे लेटर को भी उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले महीनों गोलियों से हत्या कर दी गई थी। पंजाब के मनसा के जवार के गांव के पास कुछ अनजान लोगों ने सिद्धू का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया था। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन सिंगर को डॉक्टर बचा नहीं पाए। सिद्धू की मौत का इल्जाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर है। बिश्नोई ने सलमान खान को 2018 में धमकी भी दी थी। खबर ये भी आई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सलमान को मुंबई पुलिस से पहले जैसे सिक्योरिटी ही मिल रही है। अब माना जा रहा है कि नए लेटर के सामने आने के बाद सलमान को ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। लेटर में सिद्धू मूसेवाला के नाम का जिक्र होना परेशान करने वाली बात है। ऐसे में सलमान खान और उनके परिवार के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मुंबई पुलिस सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा सकती है। सलमान खान इन दिनों अबू धाबी में है। वहाँ आईफा अवार्ड 2022 को होस्ट करने के लिए वहाँ गए थे। 4 जून को इस अवार्ड शो को आयोजन हुआ था, जहाँ सलमान खान और कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स के साथ मस्ती करते हुए देखा गया था। सलमान खान ने वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो के गाने नाच पंजाबन पर डांस किया था। साथ ही उन्हें अभिषेक बच्चन के साथ भी बैठे हुए देखा गया था।